जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो लोग खड़े हुए हैं। भाई साहब हमारे वीडियो पहले से ही देखते हैं और उज्जैन से लोकल है, बाबा महाकाल की नगरी से हैं और हम भी कथा कवर करने आए थे। भाई साहब ने अचानक अपनी बाइक रोकी और बोले कि भाई साहब हम तो पहले से ही आपका वीडियो देखते हैं। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें फॉलो करते हैं। बहुत हैं आप हमें फॉलो करते हैं उसके लिए करता हूँ आपको। बिल्कुल हर वीडियो देखता हूँ आपका, बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है जी, हाँ अच्छा करते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता देंगे आप? मोहन शर्मा। मोहित जी, मोहन शर्मा, मोहन जी। मोहन जी, बाबा महाकाल की नगरी में जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आगमन है, आने वाले समय में वो भी यहाँ पर आएंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। उज्जैन के लोग जो बाबा आ रहे हैं प्रदीप जी मिश्रा। अच्छा जी, मतलब सौभाग्यशाली हैं आप। सौभाग्यशाली है सर। पिछले पहले भी था उनका आने का, शायद कैंसिल हो गया था कोरोना के चक्कर, अब डबल सौभाग्य हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा बैठे हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी सेवा देने का कुछ सोच रहे हैं? आप तो घर का भी होटल बना लीजिएगा जी। होटल नहीं, हम तो ऐसी सेवा करेंगे। दोनों ही हैं हम, दो ही पति। अरे क्या बात, सेवा के लिए आप दोनों ही हैं जी। इसलिए सर, ठीक सर जी। मोहन जी, एक दो सवाल और मेरे थे, ऐसे ही नॉर्मल पूछ लेता हूँ मैं। बाबा महाकाल की नगरी के लोग जो है वैसे ही प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, सब कुछ है। अभी कथा होने वाली है, लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, तो किस तरह से जो है वो सेवा का नज़रिया है लोगों का? आप तो ग्राउंड लेवल पर है। यहाँ तो धार्मिक नगरी सर, हर आदमी सेवा के लिए तैयार है। हम भी इसीलिए आए कि आपको कोई सेवा मिले अपनी यहाँ पे, दो पति पत्नी की। अच्छा जी, मतलब धार्मिक नगरी और पूरा आप लोग कुंभ की तरह देख रहे हैं। हम कुंभ की तरफ, हम इसे देखने आए, इसलिए चक्कर में कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ लगानी। अच्छा, कोई अव्यवस्था होने की कोई संभावना है? नहीं नहीं, कोई संभावना नहीं है। यहाँ तो बहुत शांत वातावरण है सर, बहुत बढ़िया साथ तो हो ही नहीं सकती। अच्छा मतलब जी, क्या बोल रहे हैं हम? बाबा बैठे हैं। अरे बाबा बैठे हैं महाकाल, यहाँ अव्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। वही राजाधिराज है, राजाधिराज वो है ना। वो कभी नहीं होने, इतने बड़े बड़े सिंह तो होते हैं तो नहीं होती है। तो प्रदीप जी के उसमें तो अब ये छोटा कुंभ ही समझो। अरे जी बिल्कुल कुंभ ही है। और आप लोग भी मतलब ये है कि हमें मिले, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है जी। मोहन जी और बढ़िया है, आप लोग भी सेवा दीजिएगा और लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। बाबा महाकाल की नगरी भी है और आप लोग हमेशा खुश रहें, बाबा महाकाल की कृपा आप पर बरसती रहे हमेशा जी। आप लोग हमेशा खुश रहें, कृपा बनाए रखें। बस हम तो दोनों दिन भर घूमते ही रहते हैं। खुश है जी, खुश है आप लोग दर्शन फुर्सत में। अरे क्या बात है जी, यहीं पे रहते हैं आप? लोकल ही प्रॉपर लोकल है साहब, इंदिरा नगर रहते हैं। अरे क्या बात है, आप हमेशा खुश रहें मोहन जी, यही प्रार्थना है। बाकी आप हमारे चैनल को यदि भाभी जी आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोनों ही देखते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शिवर का जो हुआ था का प्रोग्राम, उसमें आपका बहुत रहा सहयोग बहुत तैयार। बिल्कुल सर, अव्यवस्था हो गई थी तो मेरा कर्तव्य भी बनता था कि थोड़ा सा चीजें बताओ। सही बताया जो बताया, जो हम इसलिए नहीं आ पाए यार, मैंने की भीड़ भड़क के कहाँ जाए सर। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही डिसीजन, बिल्कुल आप आइए, अभी दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय थोड़ा सा व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, तो हम ग्राउंड लेवल पर आज इसीलिए उतरे कि देखने से मेरे बहुत दिन से लालसा थी कि वो देखूं मिलूं आपसे। अरे बाबा महाकाल ने मिला ही दिया आपने। ठीक है जी मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाभी जी, है ना, तो ये उज्जैन के लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं और मोहन जी शर्मा इनका नाम है। और बाकी तमाम सारी चीज़ें हैं जी और अच्छी व्यवस्था, अच्छी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। सीहोर है, सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा है, ये उज्जैन की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है। भाभी जी बोल रही हैं कि बाबा महाकाल है तो फिर क्या चिंता है जी, कोई चिंता ही नहीं है, सब निश्चिंत हैं। इतना बड़ा कुंभ यहाँ पर हो जाता है तो ये तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी आपका भी शुक्रिया जी, चैनल को सब्सक्राइब यदि आप लोगों ने भी नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।